दोस्तों टॉक्सवीड आप लोगों ने काफी सारी देखी होंगी, लेकिन जब आप लोग बड़ी टॉक्सवीड को परचेज करने जाओगे ना, तो सबसे पहले पता है कौन सी टॉक्सवीड का नाम आएगा? जिसका नाम है ग्रेडन। क्योंकि भाई ग्रेडन एक ऐसी टॉक्सवीड है जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टॉक्सवीड है, और अगर आप लोगों को ये चीज नहीं बताना तो इसे लेकर आप लोग गूगल भी कर सकते हो। एंड गाइस, काफी पहले हम लोग एक कार्टून देखते थे जिसका नाम था स्कूबी डूबी डू, लेकिन उसमें जो टॉक्सवीड थी ना उसका हमें पता नहीं था कि वो उस टाइम ये कौन सी है, लेकिन भाई अब जाके पता लगा कि उसमें भी वो ग्रेडन ही थी। तो गाइस, आज जो ग्रेडन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये अल्टीमेट क्वालिटी में केसे रजिस्टर्ड है, एंड साथ में आप लोगों को दो कलर्स मिल जाएंगे, जिसमें से एक है फाउन कलर और दूसरा है इस ब्रीड का सबसे फेमस और सबसे एक्सपेंसिव कलर, जो है हार्ले क्वीन। वैसे भाई उनके पास ये तीन डॉग्स हैं, तीनों ही मेल हैं और तीनों की एज भी अलग अलग है, बट जो फाउन कलर के हैं वो केसी रजिस्टर्ड है, जो हार्ले क्वीन है ये नॉन केसी आई है। तो ओनर का जो स्पेशली काम है ना वो ग्रेडन के अंदर है, तो इनके पास से आप लोग छोटे बच्चे भी ले सकते हो और एडल्ट डॉग्स भी। भाई क्वालिटी में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वालिटी A1 है। एंड दोस्तों, साथ में अगर इनके टेम्परामेंट के बारे में बात करें ना, तो ग्रेडन इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, इनका नॉर्मल सा टेम्परामेंट होता है, फैमिलीज के लिए काफी अच्छे होते हैं और इसी वजह से इन्हें जेंटल जायंट भी कहा जाता है। वैसे गाइस, उन्होंने सभी डॉग्स की वैक्सीनेशन है ना जो वो कंप्लीट करा रखी है, एंड डॉग्स जो है ये वेल ट्रेन्ड है और आप लोगों के सभी इंस्ट्रक्शंस को काफी अच्छे से फॉलो भी करेंगे। तो वही हार्ले क्वीन में दो डॉग्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो फाउन कलर का डॉग है ना इसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर इसकी एज के बारे में बात करें ना, तो ये 7 मंथ्स का हो चुका है, वैक्सीनेशन कम्प्लीट है और इसके जो पेपर्स है ना वो भाई आप लोगों को हैंड टू हैंड मिल जाएंगे, और अगर आप लोग पहले देखना चाहते हैं तो डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं, वो आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे। एंड गाइस, सभी डॉग्स ओनर के पास ही अवेलेबल हैं, तो अगर आप लोग इन्हें वीडियो कॉल पर देखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने ग्रेडन को लेने का मन बना रखा ना, तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि इसे आप लोग छोटे घरों में नहीं रख सकते। अगर आप लोगों के आसपास काफी खुला एरिया है या फिर बड़ी सी छत है या फिर आप लोगों का काफी बड़ा सा घर है, तो ही आप लोग इस टॉक्सवीड को परचेज करें। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई छोटे घरों में ग्रेडन रह सकते हैं, तो भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। एंड ग्रेडन को हमेशा एक अच्छे एंड बैलेंस डाइट दे, जिसमें कैल्शियम मल्टीविटामिंस तो जरूर ऐड करें, क्योंकि भाई लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है तो इनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए वो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जो डाइट के बारे में ना वो ओनर आप लोगों को अच्छे से बता देंगे, क्योंकि भाई काफी टाइम से ग्रेडन के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से पता है कि कौन सी डाइट कब देनी है और कितनी देनी है। वैसे ये जो ग्रेडन है ना, आप लोग इसे एज ए स्टड सर्विस के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छे से मैटिंग करता है और भाई फुल्ली जेल प्रूफ है। और गाइस, अगर हमारे थर्ड ग्रेडन के बारे में बात करें, तो ये देखिए, ये है वो ग्रेडन जिसके उन्होंने ईएस भी क्रॉप करा रखे हैं, वैक्सीनेशन भी कंप्लीट है और ये डॉग भी काफी अच्छे से मैटिंग करता है। तो गाइस, इन तीनों की एज तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। तो अगर बात करें इनकी लोकेशन के बारे में कि इन्हें आप लोग कहां से परचेज कर सकते हो, तो भाई उन्हें की जो लोकेशन है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट जाकर आप लोग अच्छे से देखभाल करके इन्हें परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, तो ओनर आप लोगों को एडल्ट डॉग्स पर भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन भाई उस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी है कि एडल्ट डॉग्स पर जो डिलीवरी चार्जेस होता है वो थोड़ा ज्यादा पड़ता है। एंड प्राइसिंग की बात करें, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये फाउन कलर के जो है ना ये केसी रजिस्टर्ड है और जो हार्ले क्वीन है ये नॉन केसी है। तो उन्होंने जो है इनका प्राइस रिवील नहीं किया, उनका कहना है कि भाई जो लोग भी इंटरेस्टेड है इन्हें परचेज करने के लिए, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके इनके प्राइस के बारे में जान सकते हो, और आप लोगों को पता लगे ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, ताकि उस कमेंट को मैं पिन कर दूं, सभी को पता लग जाए। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।